दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चंद्र आर की चोरी। ये राज कॉमिक वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। राजा विक्रम के दरबार में किसी समय कैदी हुए गुणी विद्वान ब्राह्मण आया। राजन, तेरा यह समारोह, हम तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आए हैं। मेरे अहोभाग्य विप्रो पधारिये। राजन, हम लक्ष्मी के उपासक नहीं, सरस्वती के पुजारी हैं और तुझे एक अद्भुत कला का ज्ञान देने आए हैं। मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है विप्रो, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात होगी। यह गुणी विद्वान मुझे अपने ज्ञान का दान देने के लिए स्वयं मेरे राज दरबार में प्रस्तुत हुआ है। आपके चरणों में मेरा सत सत बार नमन है विप्रो। किंतु आचार्यवर, यदि यह सुविधा न हो तो कृपया मुझे आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। ब्राह्मण ने राजा का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। उस दिन राजा विक्रम ने ब्राह्मण की भरपूर सेवा की। बस करो राजन, तुम्हारे सेवा भाव ने हमारा दिल जीत लिया। अब तुम आराम करो राजन, राजमहल के देव सतल में हमारे हमारे रात्रि विश्राम का प्रबंध कर दो और वहीं हम अपनी कला उपासना द्वारा एक चित्र तैयार करना चाहते हैं। उस दिन वह ब्राह्मण राजमहल के देव सतल में राजा विक्रम का अतिथि बनकर रहा। अगले दिन ब्राह्मण ने एक चित्र राजा विक्रम को दिया और पूछा, यह किसका चित्र है राजन? चित्र देखकर राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। यह चित्र तो मेरी धर्मपत्नी सुमंगला का है, किंतु किंतु आपने तो मेरी पत्नी को शायद कभी देखा भी नहीं। हाँ राजन, निश्चित रूप से मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं देखा, किंतु फिर भी यह चित्र आज ही रात हमने स्वयं बनाया है तुम्हें देने के लिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है विप्रो, चमत्कार तो उठा हूं मैं, भला किसी को बिना देखे कोई उसका चित्र कैसे बना सकता है? तुम भी अचंभित तो उठे ना राजन, यह विद्या है ही हर एक को अचंभित कर देने वाली। क्या मैं भी यह विद्या सीख सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य राजन, मैं स्वयं भी तुम्हें इसी कला का ज्ञान देना चाहता था, किंतु इस विद्या में तुम्हें निपुण बनाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ राजन, हालांकि उत्तर मैं स्वयं भी जानता ही हूँ। पूछे गुरुदेव। कल हमारे लिए तुम्हारी पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया था ना राजन? जी हाँ गुरुदेव, वास्तव में महारानी सुमंगला ने आपकी सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करने के लोभ में सारा भोजन स्वयं तैयार किया था, किंतु आपको यह कैसे ज्ञात हुआ गुरुदेव कि भोजन मेरी पत्नी ने ही बनाया था? भोजन के आखिरी कोर में एक बाल आ गया था राजन, जो निसंदेह तुम्हारी पत्नी का था। उस बाल को हमने जानबूझकर फेंका नहीं था, बल्कि संभाल कर रख लिया था। बाद में उसी बाल के बल पर हमने इस चित्र की सृष्टि की। राजा विक्रम स्वयं भी गुणी विद्वान था, विद्वानों का आदर करता था। उनसे कुछ न कुछ नई बात सीखने के लिए भी वह सदैव तत्पर रहता था। उस गुणी ब्राह्मण शंकरानंद से भी राजा विक्रम ने किसी का चेहरा बिना देखे उसका चित्र बनाने की अद्भुत विद्या सीखी। काफी दिनों तक वह ब्राह्मण राजा विक्रम का अतिथि रहा। फिर एक दिन, अब हम प्रस्थान करेंगे राजन, हमें विश्वास है तुम किसी भी व्यक्ति के शरीर के बाल, नाखून के टुकड़ों अथवा लगातार 3 माह से प्रयोग में आए जाने वाले वस्त्राभूषणों के बल पर बिना उसे देखे उसका चित्र तैयार कर सकते हो। ब्राह्मण शंकरानंद राजा विक्रम को आशीर्वाद देकर प्रस्थान कर गया। राजा विक्रम जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। इस अद्भुत कला में निपुणता प्राप्त करने के बाद राजा विक्रम ने एक दिन विचार किया, मुझे इस कला में अपनी निपुणता को परखना चाहिए। कला की परख अनजाने अजनबियों के बीच ही करनी उचित रहेगी। अगले दिन हम जल्दी लौटेंगे महामंत्री, तब तक तुम्हें इस समस्त राजकाज संभालना है। राजा विक्रम रूप बदलकर गुप्त मार्ग द्वारा राजमहल से बाहर निकल गया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल राजा विक्रम एक भयानक जंगल में पहुंचा। हिन हिन, उफ, घोड़ा भिदक रहा है, लगता है निकट ही कोई भयंकर जंगली जानवर है। और तभी राजा विक्रम की नजर पड़ गई एक शेर पर, जो एक सुंदर युवक पर छलांग लगाने ही जा रहा था। ओ नहीं, गुर्र! शेर ने उस सुंदर युवक पर छलांग लगाई थी कि राजा विक्रम का बाला शेर की गर्दन में जा लगा। और फिर राजा विक्रम उस युवक के निकट पहुंचा तो मरना चाहते थे युवक? हाँ, मैं मरना चाहता था। क्यों तुमने शेर को मारकर मुझे बचा लिया? लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि क्यों मरना चाहते हो?
यहाँ के मूर्ख राजा ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि राजकुमारी स्वर्ण पर बाके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। वो राजा धूमकेतु कभी भी राजकुमार का विवाह मुझसे नहीं करेंगे। महाराज की नजर में तो मैं एक नकारा नालायक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक चित्रकार हूँ। चित्रकार? हाँ, मैं एक चित्रकार हूँ महाराज, धूमकेतु के सेनापति का इकलौता पुत्र चंद्रमणि। पिताजी मुझे बहादुर योद्धा बनाना चाहते थे, किंतु मैं बचपन से चित्रकला में खोया रहा। आज मैं कुशल चित्रकार हूँ, किंतु तलवार उठाना मेरे बस की बात नहीं है। राजकुमारी स्वर्ण पर बा और मैं बचपन से एक दूसरे को चाहते रहे हैं, किंतु आज यह जानकर कि महाराज धूमकेतु उसका विवाह किसी शूरवीर परम प्रतापी राजा से ही करेंगे, मेरा दिल टूट गया है। इसीलिए मैं आत्महत्या करने के लिए इस जंगल में निकल आया था। वाह दोस्त, मर्द होकर हिम्मत हार बैठे। जिंदगी लेने और देने का काम तो भगवान का है। यह अधिकार अपने हाथ में लेना बहुत बड़ा पाप है दोस्त। तुमने मुझे दोस्त कहा, अब मैं हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। आत्महत्या जैसे पाप का ख्याल भी नहीं कभी दिल में नहीं लाऊंगा। अरे क्या नाम है तुम्हारा मित्र? विक्रम, घुमक्कड़ सैलानी हूं मैं। नई नई जगहों में घूमने का मुझे बड़ा शौक है। सोचता हूँ तुम्हारी मेरी जोड़ी खूब जमेगी। मैंने भी कुछ ही दिन हुए चित्रकला में प्रवीणता प्राप्त की है। सच? तब तो तुम मेरे घर चलो। मेरे पिता तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, साथ ही चकित भी, क्योंकि तुम देखने में तो वीर योद्धा लगते हो, मगर फिर भी तुम चित्रकला में रुचि रखते हो, यह आश्चर्य ही है। चंद्रमणि राजा विक्रम को अपने घर ले गया तो सेनापति सूर्यमणि बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रहे थे। क्या बात है पिताजी, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। हाँ बेटे, तुम तो जानते ही हो महाराज धूमकेतु अपनी महारानी के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहते, जबकि उनकी पुत्री भी अब तो विवाह के योग्य हो गई है। पिछले 4 दिनों से महाराज धूमकेतु राज दरबार में भी नहीं पधारे हैं, राजकाज ठप पड़ा है। कहते कहते सेनापति सूर्यमणि ने घूमकर देखा तो उसकी नजर चंद्रमणि के साथ खड़े राजा विक्रम पर पड़ी। तुम्हारे साथ यह कौन है बेटे? पिताजी, यह मेरा मित्र विक्रम है। मित्र? किंतु तुमने पहले तो कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्या करता ही है? मैं घुमक्कड़ सैलानी हूँ, उज्जैनी में हमारी काफी धन संपदा है। वैसे राजकाज संबंधी कार्यों में भी निपुण हूं मैं, और पिताजी यह कुशल चित्रकार भी है। अच्छा, चित्रकार भी हो और राज कार्यों में निपुण भी हो, तब तो तुम ऐसा भी कोई उपाय बता सकते हो जिससे महाराजा धूमकेतु राज कार्यों में रुचि लेने लगे। अवश्य, बड़ी मामूली सी बात है महारानी जी का एक चित्र राज दरबार में लगवा दिया जाए। वाह, महारानी का चित्र, युक्ति तो अच्छी है विक्रम, किंतु महारानी जी तो आज तक कभी किसी के सामने नहीं पड़ी। महाराजा अपनी प्रिय रानी पर किसी की परछाई भी नहीं पड़ने देते। ओ, समस्या तो सचमुच विकट है, किंतु आप महाराज को यह सुझाव तो दे ही सकते हैं कि वे राज दरबार में महारानी जी का चित्र लगवा ले और राजकाज की तरफ ध्यान दे, वरना राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, सेना विद्रोह कर देगी। हाँ, यह सुझाव अवश्य मैं और महामंत्री जी मिलकर महाराज को दे देंगे, तब ठीक है। यदि महाराज किसी प्रकार महारानी जी का चित्र बनवाने के लिए तैयार हो जाएं, तो चित्र बनाने के लिए आज आप चंद्रमणि को ही भेजिएगा। चंद्रमणि को? हाँ ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। और अगले दिन कई बार संदेश भेजा गया, तब कहीं जाकर सेनापति मंत्रियों व राज दरबारियों को महाराज धूमकेतु के दर्शन आखिरकार राज दरबार में हुए तो सही। ऐसी कौन सी परेशानी आ पड़ी है कि हमारे आराम में बाधा पहुंचाने की आवश्यकता आ पड़ी? महामंत्री, आपके राजकाज में पूरा ध्यान देने से राज्य में अव्यवस्था फैलती जा रही है महाराज, सेना में भी असंतोष पैदा हो रहा है। हम क्या करें महामंत्री, हम स्वयं भी रोज राज दरबार में उपस्थित रहना चाहते हैं, किंतु महारानी के निकट पहुंचकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज भी महारानी ने स्वयं ही जोर देकर हमें राज दरबार में भेजा है। दृष्टा क्षमा करें महाराज, क्यों ना आप महारानी जी का एक चित्र बनवाकर राज दरबार में लगवा ले, इससे आप राज कार्यों में भी अपना जी लगा सकेंगे और जाके दुख दर्द भी सुन सकेंगे। चित्र? उपाय तो अच्छा महामंत्री, किंतु चित्र बनाएगा कौन? महारानी तो किसी पुरुष की परछाई भी नहीं सह सकेगी, उन्हें तो पराये पुरुषों के सम्मुख आना भी पसंद नहीं है। मेरा पुत्र चंद्रमणि भी अच्छा चित्रकार है महाराज, उसने बचपन बचपन में महारानी जी को कई बार देखा भी है।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे चित्र बनाने के लिए कहूँ। अवश्य, किंतु उसने बचपन में महारानी को देखा है। सामर्थ्य व अनुमान के बल पर महारानी के सौंदर्य का सजीव चित्रण वह नहीं कर सकेगा। महारानी का सौंदर्य तो तब से अब तक कई गुना बढ़ चुका है। फिर भी यदि वह हमें संतुष्ट कर सकने लायक चित्र भी बना सका तो हम उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। राज दरबार से जब सेनापति सूर्यमणि अपने घर पहुंचे तो क्या हुआ पिताजी, चित्र बनाने के विषय में महाराज ने क्या कहा? बेटे, महाराज ने चित्र बनाने की अनुमति तो दे दी है, किंतु चित्र तुम्हें अपनी बचपन की सामर्थ्य के बल पर बनाना होगा। ओह नहीं, तब तो मैं बहुत छोटा था, अब तो मुझे महारानी जी की सूरत भी अच्छी तरह याद नहीं। चंद्रमणि बेहद उदास हो गया। नहीं पिताजी, महाराज जी का चित्र बनाना मेरे लिए संभव है। तभी राजा विक्रम ने सेनापति सूर्यमणि से कहा, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सेनापति जी, आप महाराज से निसंकोच कह सकते हैं कि चंद्रमणि महाराज जी का चित्र बनाकर शिखर से शिखर उनके सम्मुख प्रस्तुत करो होगा। नहीं विक्रम, यह तुम क्या कह रहे हो, मैं महाराज जी का चित्र कदापि नहीं बना सकूंगा। तुम बेशक चित्र नहीं बना सकोगे, किंतु महाराज को तो चित्र ही चाहिए ना। चित्र मैं बना दूंगा, एक ऐसे कुशल चित्रकार द्वारा जो अपने चमत्कारी दिव्य दृष्टि के बल पर चित्र बना देगा। सच कहा, ऐसा चित्रकार क्यों ना हम लोग अभी ही उसके पास चले। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें उस चित्रकार से तो अभी नहीं मिलवा सकूंगा, किंतु बिना महारानी को देखे हुए वह उनका चित्र उसी दशा में बना सकेगा जब तुम महारानी के सिर का बाल या नाखून अथवा कोई ऐसा वस्त्र आभूषण ला दोगे जो कि महारानी लगातार 3 माह से प्रयोग कर रही हो। यह कार्य है तो मुश्किल, किंतु 2-4 दिन में मैं इस मुश्किल को बेसान कर लूंगा। एक बार महाराज प्रसन्न हो जाए तो मुझे मुंह मांगे पुरस्कार के रूप में राजकुमारी को प्राप्त करना भी कठिन नहीं होगा। और उसी रात राजा विक्रम गहरी निद्रा में लीन थे, किंतु चंद्रमणि की आंखों में नींद नहीं थी। रात का दूसरा प्रहर शुरू होते ही वह अपने शयन कक्ष की खिड़की के निकट आया। उसी रात राजमहल के पिछवाड़ की दीवार फांद कर काले लबादे से शाम को ढके एक व्यक्ति पहरेदारों की नजरों से बचता बचाता हुआ शीघ्र सेनापति सूर्यमणि की विशाल हवेली के निकट पहुंचा। वाह, काम बन गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अगले दिन हीरे मोती और स्वर्ण से बना महारानी चंद्र प्रभा के गले में सुशोभित रहने वाला चंद्रहार लेकर जब चंद्रमणि राजा विक्रम के सामने आए तो, यह लो विक्रम, यह महारानी चंद्र प्रभा का बहुमूल्य चंद्र हार है। अरे, तुम्हारे पास यह कहाँ से आया? क्या तुमने चोरी की है? नहीं, चोर मैं नहीं हूं, पर यह हार चुराया अवश्य गया है। चुराया गया है, मगर चोर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? यह मैं नहीं बता सकता, मैं वचनबद्ध हूं विक्रम। तुम भी मुझे वचन दो कि हार के बारे में कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे। नहीं करूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। थोड़ी देर बाद, अब मैं तुमसे विदा चाहूंगा दोस्त, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए महारानी चंद्र प्रभा का चित्र अपने परिचित दिव्यदर्शी चित्रकार से बनवाकर ला सकूं। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं मित्र? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, यह सोचने का पाप तो मैं सपन में भी नहीं कर सकता मित्र। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरा शुभ भला क्यों चाहोगे? तो भरोसा रखो, मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगा, शायद कल सुबह तक ही मैं यह चित्र बनवाकर ले आऊंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मित्र। उस रात घने जंगल के बीच बने एक उजड़े हुए मंदिर के प्रांगण में अपना घोड़ा बांध राजा विक्रम मंदिर के अंदर गया और महारानी चंद्र पर भागे चंद्र हार को अपने सामने रखकर वह ध्यान लगाकर समाधि की सी अवस्था में बैठ गया। ओम ओम। अगले दिन प्रातः राजा विक्रम ने महारानी चंद्र पर भागा चित्र जब चंद्रमणि के हवाले किया तो वह हैरान रह गया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मित्र। महारानी का चित्र प्राप्त होती है, अपने सपनों की रानी राजकुमारी स्वर्ण प्रभा को पुरस्कार स्वरूप महाराज धूमकेतु से मांग लेने के सपन समझौता। प्रसन्नता में डूबा चंद्रमणि राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ चंद्रमणि, क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारे पिता सेनापति सूर्यमणि एक बार बता रहे थे कि तुमने खानदानी रीति त्याग कर तलवार की जगह तूलिका संभाल ली है। पिताजी ने ठीक ही कहा था महाराज। उफ, यह चंद्रमणि तो बड़े गलत समय पर आ गया। इसे नहीं मालूम कि महाराज महारानी जी के चंद्रहार की चोरी हो जाने के कारण बेहद क्रोध में है।
महाराज धूमकेतु एक रो चंदन चंद्रमणि ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं समय आपकी सेवा में एक चित्र लेकर ही प्रस्तुत हुआ हूँ। चित्र? जी हाँ महाराज, मैं महारानी जी का चित्र बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। राजा धूमकेतु ने चंद्रमणि के हाथ से महारानी चंद्र प्रभा का चित्र लेकर देखा तो एकदम हक्का बक्का अवाक सा हो गया। उफ, इतना सुंदर चित्र! यह चित्र चंद्रमणि ने क्या सिर्फ बचपन की सामर्थ्य के बल पर बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक आख चित्र देखते देखते राजा धूमकेतु बुरी तरह चौंका। अरे, इसमें तो महारानी के गाल का यह तिल तक बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ बचपन की सामर्थ्य पर इतना सजीव चित्र चंद्रमणि ने बनाया हो, यह हरगिज नहीं हो सकता। और यह महारानी के गले का चंद्रहार, उफ, चंद्रहार भी हुबहू वैसा ही है जैसा कि इस चित्र में बनाया गया है। तो कहीं चंद्रहार इसी चंद्रमणि ने तो नहीं चुराया? परसों रात चंद्रहार की चोरी हुई और आज चंद्रमणि महारानी चंद्र पर बागा चित्र बनाकर भी ले आया। तो चंद्रहार चुराते समय चंद्रमणि ने महारानी का चेहरा देखा होगा। अच्छी तरह चित्र देखने के बाद महाराज धूमकेतु ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और चंद्रमणि की ओर देखा। अद्भुत, तुमने अद्भुत चित्र बनाया, हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। पकड़ लो इसे और डाल दो कारागार में। क्या? मगर मेरा कसूर महाराज, अभी पता चल जाएगा। एक सैनिक ने तुरंत चंद्रमणि को झटका देकर अपनी तरफ खींचा तो चंद्रमणि की कमर का फेंटा खुल गया और उसमें खोस कर रखा गया चंद्रहार नीचे गिर पड़ा। अरे चंद्रहार, उफ, तो तुमने चुराया था महारानी जी का चंद्रहार। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं होता। यह चंद्रहार तुम्हारे पास कहाँ से आया चंद्रमणि? यह मैं नहीं बता सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। मेरा बेटा चंद्रमणि चंद्रहार का चोर, उफ, यह मैं क्या देख रहा हूं। चंद्रमणि को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कारागार में डाल दिया गया। वह शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे राजकुमारी शरण पर भागी जगह अब या तो मिलेगी फांसी या जिंदगी भर घुट घुट कर इसी कैद खाने में दम तोड़ देने की सजा। खिन मन से महाराज रनिवास में आए। तब तक महारानी चंद्र प्रभा को भी चंद्रमणि के चंद्रहार की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाने का समाचार मिल चुका था। ये आपने क्या किया स्वामी, चंद्रमणि जैसा नेक लड़का चोर नहीं हो सकता। चोर वही है महारानी, परसों रात वही महल में आया होगा, तुम्हें अच्छी तरह देखा होगा उसने। फिर लो बस, अथवा तुम्हारे चित्र में तुम्हारे चंद्रहार भी हूबहू जो गा तो बनाने के ख्याल से वही तुम्हारे चंद्रहार को चुरा ले गया होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता तो क्या हम यह समझ ले, हार तुमने अपनी मर्जी से उसे दिया था और तुमसे मिलने में महल में आता जाता रहता था। उफ, जवाब दो, में चित्र में उसने तुम्हारा चंद्रहार और गाल का तिल तक हूबहू बना दिए, क्या यह चंबे की बात नहीं है? वर्षों से तुम्हें देखना तो दूर रहा, वह राजमहल तक नहीं आया, फिर भी तुम्हारा ऐसा सजीव चित्र बना दिया है कि चित्र देखकर ही हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम चित्र नहीं देख रहे हो बस साक्षात तुम्हें ही देख रहे हो। आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं स्वामी, लगता क्रोध ने आपको अंधा कर दिया है, आप अपने होशोवास खो बैठे हैं। खामोश, होशोवास हमने नहीं खोए बल्कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। पिताजी, आप माँ का अपमान कर रहे हैं। सम्मान उसी का किया जाता है पुत्र जो सम्मान के योग्य हो। पूछो अपनी माँ से इसका हूबहू चित्र कैसे बना दिया चंद्रमणि ने, इसका चंद्रहार चंद्रमणि के पास कैसे पहुंच गया। क्रोध तो मैं इतना भी आ रहा कि तुम सभी को धक्के मारकर निकलवा दें अभी इसी वक्त अपने राजमहल से। क्या? नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी। नहीं, मैं पत्थर पिता के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कि पिताजी हमें धक्के मारकर निकलवाए, आओ हम स्वामी राजमहल छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी यह हमारा घर नहीं, सिर्फ हमारे पत्थर से बाप का रेत महल है। बहुत जल्दी यह ढह जाएगा यह भी। और फिर राजकुमार अरुण केतु एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। वह अपनी माँ रानी सुंदर प्रभा तथा बहन राजकुमारी स्वर्ण प्रभा को साथ ले उसी स्वर्ण राजमहल से बाहर निकल गया। उधर दुखी मन से घर लौटे सेनापति सूर्यमणि ने चंद्रमणि की गिरफ्तारी के बारे में राजा विक्रम को बताया तो चंद्रहार को चंद्रमणि के पास से बरामद करके राजा धूमकेतु ने उसे सचमुच ही चोर मान लिया है शायद। चंद्रमणि को कारागार से मुक्त कराने के लिए या तो मुझे असली चोर का पता लगाना होगा या फिर कोई अन्य ही युक्ति सोचनी होगी।
मन ही मन चंद्रमणि को कारागार से मुक्त कराने के की युक्ति सोचता राजा विक्रम आखिरकार ही एक योगी का रूप धारण कर राजा धूमकेतु के पास पहुंचा। सुखी रहो राजन, तुम्हारा परिवार दिनों दिन फल फूले। उफ, यह कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज आप। अभी पल भर पहले ही तो मेरा सुखी संसार उजड़ कर बर्बाद हो गया है और आप कहते हैं सुखी रहो। बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हो राजन, आखिर बात क्या है। योगी वेशधारी राजा विक्रम के सामने दिल की भड़ास निकालते हुए राजा धूमकेतु ने सारी बात बता दी। अब आप ही बताए महाराज, भला यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति किसी को बिना देखे ही उसका सजीव हूबहू चित्र बना दे। अवश्य राजन, यह कोई असंभव कार्य नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से सिद्ध पुरुष आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ किसी व्यक्ति के शरीर का कोई बाल या नाखून अथवा उसके द्वारा लगातार 3 माह से प्रयोग में लाए जा रहे वस्त्र आभूषण को देखकर ही उस व्यक्ति को बिना देखे उसका चित्र बना सकते हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं झूठ नहीं बोलता राजन, मैं स्वयं भी ऐसा ही दिव्यदर्शी योगी हूँ। अगर आप चोर के अंग का कोई सूक्ष्म सा हिस्सा जैसे नाखून या शरीर का कोई बाल या पिछले 3 माह से प्रयोग में लाया जा रहा वस्त्र आभूषण मुझे मुझे दे दे तो मैं स्वयं भी चोर की सूरत बनाकर आपको दे सकता हूँ। किंतु चोर को तो हम गिरफ्तार कर चुके हैं, चोर चंद्रमणि ही है। उसके पास से मैं चंद्रहार प्राप्त भी हो गया है। चोरी चंद्रमणि ने नहीं की है, बेशक हार उसके पास मिला किंतु चोर कोई और है। यह बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं महाराज? क्योंकि चोरी चंद्रमणि ने ही की होती तो चंद्रहार अपने कमर बंद के फेंटे में इतनी लापरवाही के साथ लपेटे हुए वह राज दरबार में नहीं आता, बल्कि चंद्रहार अपने घर में ही छोड़ आता। ओह, यह बात तो सुने। चोर के लबादिया एक टुकड़ा महारानी के शयन कक्षी की खिड़की में अटका रह गया था। वह टुकड़ा मैं आपके लिए मंगवाता हूँ। आप हमें उस चोर का चित्र बनाकर दिखाएं तो मैं आपकी बात पर यकीन हो जाएगा। राजमहल के देवस्थल में भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख राजा विक्रम ने काले लबादे के टुकड़े को अपने सामने रखकर ध्यान लगाया। ओम ओम, चित्र बनाकर राजा विक्रम ने देवस्थल के भीतर से बंद द्वार खोले। चोर का चेहरा देखने की व्यग्रता में देवस्थल के बाहर टहलता हुआ राजा धूमकेतु लपक कर राजा विक्रम के निकट आया। चोर का चित्र देखते हुए बुरी तरह चौंक गया। ओ नहीं, हमारा ही बेटा भला अपनी माँ का बेशकीमती चंद्रहार कैसे चुरा सकता है? जरूरी है चित्र बनाने में आपसे कोई भूल हुई है योगी राज। मैं नहीं जानता राजन, राजकुमार अरुण केतु चोर है अथवा नहीं, किंतु आपने यह जो कपड़े का टुकड़ा दिया है वह इस चित्र में बने सुंदर योग का ही है। उफ, इसका मतलब है हमारे बेटे अरुण केतु ने ही अपनी माँ का चंद्रहार चुराया था। मगर क्यों? इसलिए कि राज्य व प्रजा की भलाई के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था। तभी पीछे से राजकुमार अरुण केतु की गरजती कड़कती आवाज गूंज उठी। राजा धूमकेतु चौंक कर घुमा तो यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि राजकुमार अरुण केतु बहुत से सशस्त्र सैनिकों सहित उन्हें घेरे खड़ा था। यह सब क्या अरुण, तुम हमारे हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? नहीं पिताजी, बगावत की बात भी मैंने कभी नहीं सोची। मैं गिराने आया हूं आपका रेत महल जिसके कण कण से अन्याय की गंध आ रही है। अन्याय? क्या बकते हो, क्या अन्याय किया हमने? किसके साथ अन्याय किया हमने? मेरे साथ आपने कोई अन्याय नहीं किया पिताजी, किंतु एक राजा होते हुए भी लगातार अपने दायित्व से विमुख रहकर आपने अपनी प्रजा के साथ घोर अन्याय किया है और मेरी माँ अपनी पत्नी महारानी चंद्र प्रभा के साथ भी आपने अन्याय किया है। गलत, यह झूठ है, यह सच है पिताजी। पहले आप माँ के कारण अपनी प्रजा तक को भूल गए, फिर आपने चंद्रमणि द्वारा माँ का चित्र बना लाने के कारण माँ पर संदेह किया, उन पर मिथ्या आरोप लगाकर उनके साथ अन्याय किया आपने, और फिर अन्याय किया आपने चंद्रमणि के साथ। उस कलाकार को मुंह मांगा पुरस्कार देने के स्थान पर कारागार में डाल दिया, जबकि माँ का चंद्रहार चुरा कर मैंने दिया था उसे। चंद्रमणि ने कोई अपराध नहीं किया था। क्या महारानी के चंद्रहार की चोरी करने वाले चोर सचमुच तुम ही हो? हाँ, और क्यों किया मैंने ऐसे? जानना चाहते हैं तो सुनिए। पिछले 6 महीने से रात काला लबादा ओढ़कर राज्य में जगह जगह घूम 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 कर मैंने राज्य में फैली हुई अव्यवस्था देखी। चोर डाकू का भय हर तरफ फैला हुआ देखा। राज्य में फैली यह अव्यवस्था सिर्फ एक ही दशा में दूर हो सकती थी।
यह कि आप स्वयं राजकाज में रुचि लेने लगे, और ऐसा कैसे संभव है यह जानने के लिए मैंने महामंत्री जी को जी की सलाह ली, तो उन्होंने मुझे वही सलाह दी जो आपको दी थी, अर्थात महारानी माँ का एक चित्र राज दरबार में लगवा दिया जाए। चित्र बनवाने के उद्देश्य से मैं अपने मित्र चंद्रमणि से मिला, तो उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने भी उससे महारानी जी का चित्र बनाने को कहा है, किंतु महारानी जी को देखे बिना सिर्फ बचपन की स्मृति के बल पर चित्र बना सकना चंद्रमणि के लिए संभव नहीं था। ऐसे में मैंने चंद्रमणि को गुप्त रूप से राजमहल ले जाना चाहा, किंतु चंद्रमणि ने इस पर मुझे कहा, किंतु युवराज, महाराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है, यह तो तुम जानते हो। अगर उन्हें ज्ञात हो गया कि तुमने मुझे महल में छिपकर राजमाता की शक्ल देखने दी है, तो उनका क्रोध मेरे साथ साथ तुम्हारा जीवन भी खतरे में डाल सकता है। फिर आखिर इस समस्या का कैसे हल किया जाए? तुमसे एक भेद की बात कहूं मित्र, मेरे यहाँ उज्जैनी के राजा विक्रम ठहरे हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कुछ सालों पहले मैं एक बार उज्जैनी गया था और मैंने उन्हें देखा था, और उन्हें पहचानता हूं। और सम्राट विक्रम की ख्याति तो तुमने सुनी होगी मित्र, वे अद्वितीय कलाओं में दक्ष पराक्रमी सम्राट हैं। मुझे उनकी बातों से ऐसा आभास मिला है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना देखे उसका चित्र बना सकते हैं, बशर्ते उसके अंग संबंधित कोई वस्त्राभूषण या कोई अन्य वस्तु उन्हें मिल जाए। महारानी जी एक चंद्रहार सदैव पहने रहती है, सिर्फ 2 दिन के लिए किसी तरह तुम वह चंद्रहार मुझे ला दो, तो मुझे यकीन है सम्राट विक्रम मेरे अनुरोध पर महारानी जी का चित्र अवश्य बना देंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें माँ का चंद्रहार कल ही ला दूंगा, मगर ख्याल रहे मैंने तुम्हें चंद्रहार ला कर दिया, इसकी किसी को भनक तक न लगे। मैं वचन देता हूं मित्र, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ओह, यदि तुम्हारी बात सही है, तो हमने वास्तव में अपनी प्रजा के साथ जो अन्याय हमने अपनी प्रजा के साथ तो अन्याय किया ही था। निर्दोष महारानी को तुम्हारे वह शरण प्रभा के साथ राजमहल से निकाल, तुम सबके साथ, और चंद्रमणि को कारागार में डाल, उसके साथ भी सचमुच अन्याय ही किया है। किंतु यह सब तुमने उसी समय क्यों नहीं बताया जब हम तुम्हें महल से निकाल रहे थे? उस समय आप क्रोध में थे, और क्रोध में आदमी अपना विवेक खो बैठता है, उसे हर किसी की सही बात भी बुरी लगती है। और यह हमारी राजमुद्रिका लो पुत्र, और अभी तुरंत ही किसी को कारागार भेजकर चंद्रमणि को आजाद देने का आदेश दे दो, और किसी को भेज अपनी माँ महारानी चंद्र प्रभा को भी यहाँ बुलवाओ, हम सबके सामने उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। राजकुमार अरुण केतु ने राजमुद्रिका देकर एक सैनिक को कारागार की ओर भेजा। थोड़ी देर बाद उस सैनिक के साथ चंद्रमणि राजा धूमकेतु के सामने प्रस्तुत हुआ, तो बेटे चंद्रमणि, हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में तुमसे बड़ा अन्याय किया है, किंतु अब हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देने के लिए तैयार हैं। किंतु एक बार तुम मुझे भी अपने मित्र परम पराक्रमी सम्राट विक्रम से मिलवा दो, उस यशस्वी सम्राट को अपना मित्र बनाने की साध बरसों से मेरे दिल में है। सम्राट विक्रम से अचानक चंद्रमणि की दृष्टि पीछे देवस्थल के द्वार की ओर उठ गई, और वह बुरी तरह चौंक गया। सम्राट विक्रम तो आपके पीछे खड़े हैं महाराज, अपनी बात कहते हुए चंद्रमणि आगे बढ़कर योगी वेशधारी सम्राट विक्रम के निकट बढ़ गया। मुझे क्षमा कीजिएगा सम्राट, आपको पहचान कर भी मैं जानबूझकर अनजान अब तक इसलिए बना रहा क्योंकि आप स्वयं अपनी वास्तविकता मुझसे छुपाए रखना चाहते थे, किंतु मैं अपने महाराज की इच्छा का अपमान नहीं कर सकता। बस बस मित्र चंद्रमणि, तुम्हारे लिए मैं उज्जैनी का सम्राट नहीं, तुम्हारा मित्र ही हूँ। किंतु यह तो बताओ मित्र, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया, पहले भी और अब भी? आपके गले में पड़े सूर्यमणि हार से, जो बरसों पहले जब मैंने उज्जैनी में आपको देखा था तब भी आपके गले में था, और इस हार की विशेषता पर मैंने उन दिनों भी ध्यान दिया था और अब भी। वह यह कि अंधेरे वह सुबह शाम को साधारण प्रतीत होने वाले आपके गले के सूर्यमणि हार की मणियां सूर्य की रोशनी में बड़ी तीव्रता से झिलमिलाती है। ओह, थोड़ी देर में राजकुमार अरुण केतु का एक सहयोगी सैनिक महारानी चंद्र प्रभा और राजकुमारी शरण प्रभा को आदर सहित वहां लिवा लाया। ठीक उसी समय राजा धूमकेतु सम्राट विक्रम से संबोधित होते हुए बोला, पराक्रमी सम्राट विक्रम, क्या तुम मुझे भी अपना मित्र होने का गौरव प्रदान करोगे? अवश्य, किंतु साथ ही हम अपने मित्र चंद्रमणि के लिए आपसे उस चित्र का मुंह मांगा पुरस्कार चाहेंगे।
जो हमने अपने मित्र चंद्रमणि के कहने पर आपके राज दरबार के लिए बनाया है। मैं अपना सब कुछ अपनी जुबान पर हार देने का हो मैं अपना सब कुछ अपनी जुबान पर हार देने का हौसला रखता हूँ सम्राट। फिर आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, आदेश दीजिए। आपकी बात मेरे लिए परम प्रतापी मित्र की इच्छा होगी, जिसे मैं अवश्य पूरी पूरी करूंगा। तो फिर हमारी इच्छा मानकर ही राजकुमारी स्वर्ण प्रभा का विवाह चंद्रमणि से कर दीजिएगा। और अब राजा धूमकेतु किसी भी दिशा में अपने परम प्रतापी मित्र की इच्छा कोई अवहेलना नहीं कर सकता था। अतः एक दिन बड़ी धूमधाम से राजकुमारी स्वर्ण प्रभा का विवाह चंद्रमणि से संपन्न हो गया। तब तक सम्राट विक्रम को भी राजा धूमकेतु का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। और फिर एक दिन वह वापस उज्जैन की ओर चल दिया। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।